हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर सिक्स लाइंस एंड एंगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ये फिगर 6.23 में ए बी जो लाइन है वह पैरेलल है सी डी के, और सी डी लाइन जो पैरेलल है वह है ई एफ के, और उसके बाद दे रखा है वाई और जेड का रेशियो दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां दे रखा है कि ए बी लाइन जो है यह पैरेलल है सी डी के, तो यहां लिख देंगे क्या, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, और उसके बाद दे रखा है कि सी डी लाइन जो है वह पैरेलल है किसके, ई और एफ के। तो यहां पर आपको सिंपल सा कहना है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है और इस लाइन के पैरेलल एक तीसरी लाइन हो, तब क्या होगा, ये तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब होगा कि ये लाइन भी इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे क्या, सिंस ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, और दूसरा क्या लिख देंगे, सिंस सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के, तो देयर फोर क्या हो जाएगा कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन है ये पैरेलल हो जाएगी ई और एफ के, तो ए बी लाइन भी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई और एफ के। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं उनकी कुछ कंडीशन बताया था कि उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वह इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और दो को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये सारी प्रॉपर्टी हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। तो ये लाइन जो पैरेलल दे रखा है, जब पैरेलल है ये लाइन, तो इनके क्या हो जाएंगी, जो कंडीशन हमने बताया था वो कंडीशन को ये क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अच्छा, जो रेशियो दे रखा है वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3:7, इसको आप लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे क्या, पहले ही लेट कर लेते हैं, लेट वाई जो है ये 3a लेट कर लेते हैं इसको, और जेड जो है वह इक्वल हो जाएगा 7a के। हमने यहां पर लेट कर लिया कि वाई जो है 3a के इक्वल है और जेड जो है वह 7a के इक्वल है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वाई और जेड का जो रेशियो दिया हुआ था, जब भी रेशियो दिया होता है हम एक वेरिएबल लेट करके उसको उसके इक्वल ले लेते हैं। जैसे वाई का और जेड का रेशियो 3:7 है, तो हम वाई को लेट कर लेंगे 3a, तो जेड हो जाएगा हमारा 7a के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस लाइन को, यहां पर दे रखा है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के, तो हमने दिखा दिया कि ये जो ए बी लाइन है वह ई एफ के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब ए बी लाइन, तो इस सी डी वाली लाइन को आप भूल जाओ एकदम से। अब आपको ध्यान देना है, एक लाइन ये ए बी पर और दूसरी लाइन ये ई एफ पर, और ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर आप देखेंगे इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में जो इंटीरियर एंगल एक बना रहा है ए बी लाइन के साथ में एक्स, और जो, अरे भाई सीधी लाइन खींच देते हैं, और जो ई एफ लाइन के साथ में जो इंटीरियर एंगल बना रहा है वह है जेड। और आप इन दोनों एंगल को देखेंगे, दोनों एंगल क्या है, हमने आपको बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, और ये दोनों
एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ये अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर अगर आप इस लाइन को अगर आप भूल जाएंगे और सिर्फ ध्यान देंगे ए बी और ई एफ वाली लाइन को देखेंगे, और ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यहां पर एक्स एंगल यह इक्वल हो जाएगा जेड एंगल के। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जेड जो होगा वह इक्वल हो जाएगा एक्स के। क्यों हो जाएगा, रीजन में क्या लिख देंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख देते हैं। चलो तो रीजन लिखना बहुत जरूरी है, जेड एक्स के इक्वल है। रीजन क्या था, क्योंकि लाइन ए बी पैरेलल ई एफ के था, ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल था, तो एक्स इक्वल टू जेड के होगा, लिख दिया हमने। उसके बाद रीजन क्या था, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए ये तो मिल गया हमें। अब अगर आप देखते हैं ए बी लाइन जो है वह सी डी के पैरेलल है, यहां लिख देंगे सिंस ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ये ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन है, इनके अंदर देखेंगे ये दो को इंटीरियर एंगल बने हुए हैं, एक एक्स और दूसरा क्या बना हुआ है, वाई। और हमने बताया था कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके एक ही तरफ बने हुए जो दो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 के इक्वल। तो भाई यहां पर हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई, यानी लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 के। रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री के। तो यहां पर लिख देंगे क्या कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो यहां रीजन में हम क्या लिखेंगे कि एक्स और वाई यह 180 डिग्री के इक्वल हुआ है, क्योंकि इनका जो सम होता है को इंटीरियर का वह 180 के इक्वल होता है। अभी हमें पता है कि z बराबर x के है, तो जहां पर x लिखा है वहां पर हम z लिख देंगे प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 180 के कर दिया। z को x को z की जगह पर इसलिए लिखा क्योंकि हमें z की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है। अब हम क्या करेंगे, z की जगह पर लिख देंगे 7a और y की जगह पर लिख देंगे हम 3a इक्वल टू 180 हो जाएगा। 7a में 3a को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 10a और इक्वल टू आएगा 180। तो यहां से a इक्वल टू आ जाएगा 180 बाई 10। 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो भाई इससे इसको कट कर देंगे, जीरो कट कर जाए, ये 18 आ जाएगा और a की वैल्यू आ गई 18। a 18 आ गई है तो हम इससे निकाल लेंगे z। तो भाई z कितना हो जाएगा हमारा, z था 7a था, तो अब भाई a की जगह पर हम रख देंगे 18 और 18 7 जा होता है 126 डिग्री आ जाएगा। z की वैल्यू 126 आ गई है और z इक्वल है x के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x भी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। और यही x हमें फाइंड आउट करना था, तो ये x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 126 डिग्री हो जाएगी। समझ में आया, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यहां पर दिया हुआ है इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी, यहां पर दे रखा है कि ये लाइन जो है ए बी यह पैरेलल है लाइन किसके, सी डी के, ये दोनों लाइनें पैरेलल। तो हमने बताया था पैरेलल लाइन की कंडीशन बताई थी कि जो पैरेलल लाइन होती है तो उनकी रूल कंडीशन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। अच्छा इसके बाद क्या दे रखा है कि जी ई डी, भाई जी ई डी एंगल कौन सा है, ये एंगल है जी, ये ई आए और यहां तक डी,
तो ये जो पूरा एंगल है जीईडी ये दे रखा है 126 डिग्री, ये दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है एंगल ए जी ई, बहुत सारे एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहला एंगल हमें फाइंड आउट करना है ए जी ई। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पर इस लाइन को अगर हम मान लेते हैं कि एक ये क्या है पैरेलल लाइन के एक ट्रांसवर्सल लाइन गई है, तो आप ट्रांसवर्सल लाइन के इधर एक एंगल दिया हुआ, इस एंगल का नाम है जी डी, और इस के इधर जो एंगल दिया हुआ है इस एंगल का नाम है ए जी ई, और ए जी ई और जी ई डी ये दोनों एंगल जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने आपको, मैं बार बार दोबारा फिगर बना के दिखाता हूँ कि ये जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है, रीजन क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए जी ई और जी ई डी ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी लाइन के, और उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई यह इक्वल है जी ई डी के इक्वल है, तो भाई ये इक्वल हो जाएगा जी ई डी के, और जी ई डी की वैल्यू हमें पहले से पता है, जी ई डी की वैल्यू पता है 126। तो भाई एंगल ए जी ई जो है यह भी इक्वल हो जाएगा 126 के। रीजन क्या है, क्योंकि जी ई डी की वैल्यू क्या है 126 है, और जी ई डी ए जी ई के इक्वल है। क्यों इक्वल है यहां लिख देंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो इस तरह हमने ए जी ई की वैल्यू निकाल लिया, ए जी ई की वैल्यू आ गई 126। तो भाई पहला आंसर हो जाएगा आपका ये। दोबारा हम देखेंगे, हमें निकालना है जी ई एफ, एंगल जी ई एफ भाई ढूंढ लीजिए। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अब देखेंगे क्या है दिया हुआ है जी E और F। भाई ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये दिया हुआ है आपको जी ई एफ आपको निकालना है, और यहां पर एक चीज और देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि ई एफ जो है वह परपेंडिकुलर है सी डी लाइन के। अगर ये ई एफ लाइन जो है सी डी के परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल बना हुआ है ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर पूछ कौन सा रहा है एंगल जी ई एफ। लेकिन सिंपल सा काम करना है, क्योंकि आपको ये पता हुआ है कि ये पूरा एंगल जो है जी ई डी या 126 के, पूरा एंगल आप देखेंगे ये पूरा एंगल आपका 126 के है, और इसका इतना ये एंगल इतना पार्ट जो है यह है 90 के। तो भाई ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे टोटल एंगल से 90 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा। देखो कि ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है इतना पार्ट, हम क्या करेंगे ये पूरा जो एंगल दिया हुआ है ये इतना, इस एंगल से इस वाले एंगल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो आपको सिंपल सा लिखना है एंगल जी ई डी ये भाई दिया हुआ है आपका 126 के। अब ये जी ई डी जो है दो एंगल से मिलके बना है, कौन कौन सा एंगल है, एक है जी ई एफ, लिख देते हैं एंगल जी ई एफ प्लस दूसरा एंगल है एफ ई डी, दूसरा एंगल क्या है एफ ई डी, और इन दोनों का सम कितना दिया है 126 डिग्री दे रखा है।
हमने क्या किया कि टोटल जो एंगल जी ई डी है इसको दो पार्ट में, ये है ये पूरा एंगल दो पार्ट में है, उन दोनों पार्ट के नाम लिख दिए हैं। अब एफ ई डी की वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री, तो भाई इसकी जगह पर हम लिख देंगे क्या 90 डिग्री प्लस हो जाएगा इक्वल टू 126, तो एंगल जी ई एफ जो है यह आ जाएगा 126 और माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। इस तरह आपका एंगल जी ई एफ जी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है एफ जी ई, कौन सा एंगल निकालना है एफ जी ई। भैया पहले इसको तो इरेज कर देते हैं पुराना, फिर ढूंढते हैं एफ ये वाला एंगल और ये दिया है और ये निकालना है जी। एफ जी ई जो बीच में आता है उसी को हम नोट कर लेते हैं, तो एफ जी ई एंगल निकालना है आपको, तो आप एकदम सिंपल से काम करेंगे। ए जी ई आप पहले निकाल चुके हैं, 126 निकाल चुके हैं, और आपको पता है कि ए जी ई और दूसरा एफ जी ई ये दोनों लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पर लिख देंगे एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई, एफ जी ई इनका सम कितना है 180 डिग्री के। यहां क्यों लिख देंगे, रीजन लिख देंगे सम ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये होता है 180 डिग्री। भाई ये इसका रीजन हो गया, ए जी ई हम निकाल चुके हैं 126, तो इसकी जगह लिख देंगे 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो भाई एफ जी ई जब निकालेंगे तब क्या करेंगे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे एंगल 126, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब 180 से 126 को अगर आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये एंगल 54 डिग्री। तो भाई यहां से क्या हो जाएगा एंगल एफ जी ई जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 54 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट थे सारे आंसर निकल चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन फिगर 6.25 PQ पैरेलल HT, भाई PQ वाली लाइन देख लेते हैं ये, और ये लाइन दोनों को इन्होंने बता रखा है कि ये पैरेलल लाइन है, और उसके बाद दे रखा है कि एंगल PQR ये 110 दे रखा है और RST दे रखा है 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है एंगल QRS, भाई QRS ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हिंट भी दे रखा है क्या कर लो, एक लाइन पैरेलल ST थ्रू द पॉइंट R। अगर हिंट नहीं भी दिया हो तब भी याद रखना कि चाहे तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना इस पॉइंट से आपको एक लाइन पैरेलल लाइन खींच लेना है यहां से, ये पैरेलल लाइन खींच लेंगे। अब ये जो हम लाइन खींचेंगे AB लाइन ऐसी लाइन खींचा ST के क्या है पैरेलल है, तो यहां पर लिख देंगे क्या हम ड्रा कर देंगे लाइन AB जो पैरेलल है किसके ST के। हमने एक लाइन ड्रा कर दिया है जो ST के क्या है पैरेलल है। हमको पता है कि AB पैरेलल है ST के, ये हमने
बाय कंस्ट्रक्शन किया है, और ये जो पी क्यू पैरेलल है ST के, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, AB भी पैरेलल हो जाएगा किसके, PQ भी पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के, क्योंकि AB ST के, ये लाइन PQ ST के पैरेलल है और ST के पैरेलल हमने AB लाइन खींचा है, तो ये सारी लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां से PQ भी पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के। चलिए ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे और ये वाला, इसको चलो हम एंगल मान लेते हैं कोई x मान लेते हैं और इसको y लेट कर लेते हैं, x और y लेट किया है। अब हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे कि AB लाइन PQ के पैरेलल है, तो इनके जो को इंटीरियर एंगल है जैसे 110 और दूसरा दिया है x, इन दोनों का सम 180 के इक्वल आ जाएगा। तो भाई एक एक लाइन करते हैं, AB पैरेलल ST के है, तो भाई AB पैरेलल ST के है, तो यहां हो जाएगा y प्लस 130 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां से y निकाल लेंगे, 130 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 130 करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो भाई y की वैल्यू निकल आई है। इसी तरीके से हम लिखेंगे कि PQ लाइन भी पैरेलल है किसके, AB के, सिंस PQ पैरेलल है किसके, ST के, देयरफोर क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, AB के। जब PQ भी पैरेलल AB के हो जाएगा तो 110 और x, ये 110 डिग्री और प्लस x, ये हो जाएगा 180 डिग्री के, और x इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 70 और y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। चलो भाई दोनों में रीजन लिख देते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ये y और 130 का सम 180 के इक्वल है। रीजन क्या है कि इनका सम ऑफ को इंटीरियर जो होता है वह 180 होता है। यहां पर भी हम वही चीज लिख सकते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमें निकालना था, QRS, ये हमें निकालना है। अब आपको पता है यहां से देखेंगे कि AR BA एक क्या है, लाइन है, यहां लिख देंगे, सिंस AR BA इज अ लाइन, एक क्या है, लाइन है, और लाइन है तो पता है कि इनके जो सम ऑफ लीनियर पेयर होंगे, इनका जो तीनों इस लाइन पर जितने एंगल बने होते हैं, लीनियर पेयर होता है, इन सभी का जो सम होता है वह इक्वल होता है 180 के। तो भाई यहां से आ जाएगा x प्लस, इसका नाम लिख देते हैं एंगल QS और प्लस हो जाएगा y, यह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि AR BA एक लाइन है, तो इनके जो जितने भी लीनियर पेयर हैं इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 70, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 70 डिग्री और प्लस QRS हो जाएगा, और y की वैल्यू निकाला है हमने 50 डिग्री, तो y की जगह पर हम लिख देंगे 50 डिग्री और इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब इस साइड में इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 70 प्लस 50 करेंगे 120 डिग्री आएगा, प्लस ये एंगल QRS, एंगल QRS इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो भाई QRS जो होगा वह हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 120 इस साइड में, इस साइड चेंज करेंगे, ये माइनस का साइन हो जाएगा,
माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो भाई एंगल क्यू आर एस जो है यह इक्वल आ गया 60 डिग्री के, तो यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया कंप्लीट। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।